फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल बी गुड, सेफ एंड फाइन। सो जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, हमने कुछ ऑर्डर किया था, एक माइक किया था और ट्राइपॉड किया था, जो कि डिलीवर हो गया। और अभी हम करेंगे रिव्यू, साथ में बताएंगे कि कैसा है, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या वॉइस है, साथ ही साथ दिखाएंगे भी कैसे चले। हाय फ्रेंड्स, देखिए हमारा पार्सल आ चुका है और अभी हम देखेंगे आप लोगों को क्या है इसके अंदर, कैसा है, देखते हैं उसके बाद। हाँ चलो, हम दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू वांट टू बाय देन गो फॉर। और देखते हैं क्या फर्क आता है नॉर्मल फोन की रिकॉर्डिंग में। अभी तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, एक बार माइक लगा के कंपैरिजन करके दिखाएंगे कैसी है, और साथ ही उसको ट्राइपॉड को देखेंगे कैसे काम करता है। तो ये है, देखो ऊपर से दिखा रहे हैं। ये हमने कर लिया है ओपन माइक, इसे खुलेगा। ये माइक्रोफोन, इसको करते हैं बाहर निकालते हैं तो काफी अच्छा दिख रहा है। 3.5 mm इसकी लेंथ 1 meter समथिंग हो सकती है। तो ये तो हो गया माइक। You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with you so much that for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. Here I have just come and we are covered coffee time. और इससे काफ़ी आसानी हो जाती है आपको बनाने में वीडियोस और सब। फोन की भी पकड़ने में ऐसे अगर हाथ से पकड़ो तो काफ़ी आगे पीछे उतर रहेगा, एक बार स्टेबल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब पैकिंग आप देखिए, पैकिंग काफ़ी ठीक है, मतलब इसको आप देखें ओपन करते हैं। इसको भी साइड से रख देते हैं इधर। ये रहा, ये है हमारा ट्राइपॉड। इसके साथ ही मिलता है माउंट, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलता है ये। अब इसका यूज क्या होता है, इसका ये होता है, जैसे अगर आपका मान लो फोन काफ़ी दूर रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ऐसे टच करोगे या तब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इससे क्या, अगर आप बटन प्रेस करोगे आप कुछ होगा, ये कनेक्ट होता है आपका वाईफाई से। मे बी नॉट, इसको भी बताएंगे कनेक्ट करके कैसे करते हैं। फिलहाल तो इसको कसते हैं, इस पर लगाते हैं। दिस इज विच आई रियली वांट।
चाहता था अगर शुरुआत कर रहे हैं तो एक होना चाहिए, अच्छा रहता अगर आप कहीं भी मोबाइल रखते हैं, थोड़ा सा लो एंगल या वाइड एंगल लेना चाह रहे हैं, दूर से लेना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इसकी लेंथ जो है वो 13 इंची है, इससे बड़े भी आते हैं, बट कंफर्ट है, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी पकड़े जाओ कैसे भी आपको दिक्कत नहीं। और ये माइक पर्सनली आई सजेस्ट जो मैंने फील किया, ट्राइपॉड आप खरीद सकते हो, नोट आउट विद फॉर अ बिगिनर लाइक मी, इट्स ऑसम, यू कैन गो फॉर इट। और अगर ट्राइपॉड ये जो है ना, जिसको आप बेझिझक ले सकते हो, नोट आउट, हाँ ये ऑर्डिनरी माइक है तो उतना एफिशिएंसी नहीं है इसमें ज़्यादा, बाकी आप फोन से भी कर सकते हैं, मेरे को तो ज़्यादा डिफर नहीं लगा इसका और फोन का। अगर आपको कुछ लग रहा है, आपको अलग लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज व्हिच आई वांट, ये देखो अगर मैं इसकी कोई भी प्रेस कर, ये बताइए कौन सा लोगों को लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। हमारे हिसाब से आपको गोरिल्ला ट्राइपॉड ले लेना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, माइक के लिए आप आगे जा सकते हैं, जैसे बोया का M1 है, JBL का SESL M20 और भी ऐसे हैं जो अच्छे हैं क्वालिटी में,